बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। तो आज की वीडियो जो है ये 27 मई 2021 को शाम 6:15 बजे रिकॉर्ड की गई है, यानी कि कराची शहर में लॉकडाउन लग चुका है। तमाम दुकानें तेज़ी के साथ बंद हो चुकी हैं और तमाम लोग अपने अपने घरों की तरफ रवा दवा हैं। तो हम अपने आज के इस वीलॉग में बताएंगे कि दुकानें बंद होने के मनाज़े और लोगों के घर वापस पहुंचने के मनाज़े। हर शख्स जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता है। तो आइए देखते हैं कराची की शहर के मुख्तलिफ मनाज़र, कारोबार किस तरीके से बंद हुआ और लोग किस तरीके से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी हम गुज़र रहे हैं शाहराह पाकिस्तान से, और ये फर्नीचर मार्केट है मेरे उल्टे हाथ पर, जो कि आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। 6 बजे ही सब कुछ बंद हो जाता है। ये लियाकताबाद के ब्रिज से हम गुज़र रहे हैं और ये लियाकताबाद की मेन मार्केट है। मुकम्मल तौर पे तमाम शॉप्स बंद हैं, लोग बाहर हक्का बक्का खड़े हुए हैं कि अब करें तो क्या करें। ज़ाहिर है घर ही जाना पड़ेगा उन्हें। ट्रैफिक वापस आने वाली रोड पे ज़्यादा है बनिस्बत जाने वाली रोड के, क्योंकि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है। पूरा शहर मुकम्मल तौर पे शट डाउन हो चुका है। ये अंडरपास है लियाकताबाद का, जो कि इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि लोग सब के सब, जैसे आप देख रहे हैं, ऊपर से ही रोड क्रॉस करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं। ये ज्वेलरी मार्केट है लियाकताबाद की, ये सब ज्वेलर्स की शॉप्स हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। इस वीडियो में आप बेतहाशा वायलेशन देखेंगे। हर शख्स गलत तरीके से गाड़ियां चलाने में मसरूफ़ है, रॉन्ग साइड। उसी वजह से ये आप देख सकते हैं राइट हैंड पर ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है ब्रिज के ऊपर और गाड़ियां मुकम्मल तौर पर स्टक हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि सबको जल्दी है, जल्द से जल्द हम अपने अपने घरों को पहुँच जाएँ। चंद लम्हे का सब्र किसी में नहीं है कि एक मिनट लेट हो जाए या दो मिनट लेट हो जाए। हर शख्स चाहता है मैं सबसे पहले आगे बढ़ूं और निकल जाऊं। यही वो वजह है जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ख़राब हो जाता है और लोग तकलीफ़ का शिकार होते हैं। ये लियाकताबाद की आयरन मार्केट है, मुकम्मल तौर पे ये भी बंद हो चुकी है और दुकानदार और ग्राहक जा चुके हैं। अब हम इस ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो आगे के मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। 3 अट्टी पर आपको देखेंगे आप कि वहाँ पे ट्रैफिक किस तरीके से गुज़रता है। सड़क का ये हिस्सा काफ़ी दिन हो गए ख़राब हो चुका है, लेकिन इसकी मुरम्मत की कोई कोशिश नहीं की गई। ये है 3 अट्टी का ब्रिज, देखें आप सब रॉन्ग साइड आ रहे हैं। यहाँ पे फुटपाथ पे बाज़ार सज चुके हैं जूतों के और मुख्तलिफ़ चीज़ों के, मुसलसल लोग रॉन्ग साइड आने में लगे हुए हैं। ये सिग्नल है 3 अट्टी से आगे का, आप देखें सैकड़ों की तादाद में बाइक्स बग़ैर हेलमेट के हैं। मेजॉरिटी ना हेलमेट है और ना मास्क है, कोई SOP फॉलो नहीं हो रहे हैं और हर शख्स तेज़ी के साथ निकलने में मसरूफ़ है। कोई फिक्र नहीं है किसी को कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बस हम निकल जाएं, ये हमारी कोशिश है। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। एक पुलिस वाला आखिर कितनों को कंट्रोल करे, ज़ाहिर है वो नहीं कर सकता जब तक कि हम उसकी मदद ना करें। चलें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वायलेशन कैसी हो रही है। ये देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें रॉन्ग साइड, ये मेन रोड है, गली भी नहीं है, रॉन्ग साइड चली आ रही हैं और बहुत ही स्पीड में आ रही हैं। सीधे हाथ की ट्रैफिक जो है यकीनी तौर पे उस रोड पे ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि रॉन्ग साइड चले आए। मुसलसल रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल आ रही हैं और उनको कुछ फिक्र नहीं है कि कोई हादसा रोनुमा हो जाए, और स्पीड भी खासी तेज़ है इन मोटरसाइकिल्स की, कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन सब अपनी मगन है अपनी धुन में कि जल्द से जल्द अपने अपने घरों को पहुँचें। यह है वो एटीट्यूड कराची का, जो कि यकीनी तौर पे बहुत गलत है। हम सबको कानून की पाबंदी करनी चाहिए ताकि दूसरों का भी हिफाजती ख्याल रहे, ताकि हम सब लोग हिफाजत के साथ अपने अपने घरों को पहुँच सकें। ये आम तौर से मनाजिर हैं जो हम हर वक्त देख रहे होते हैं। मुसलसल रॉन्ग साइड गाड़ियां आ रही हैं, उनको कुछ फिक्र नहीं है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इनके घरों में लोग दुआएं मांगते होंगे इनके लिए कि इनके बच्चे, इनकी औलादें,
उनके घर वाले साथ खैरियत के घर पहुंचे, लेकिन ये क्या है, ये क्या इस तरीके से खैरियत रह सकती है? होना ये चाहिए कि इस पर कुछ ख़ास तौर पे काम करें ट्रैफिक पुलिस वाले। इस वक्त हम एमेजिना रोड से गुज़र रहे हैं, यहाँ भी यही सूरत हाल है। रॉन्ग साइड आने का जो फिनोमेना है वो किसी तरह से ख़त्म ही नहीं होता। हर शख्स रॉन्ग साइड चाहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने घरों को पहुँच जाऊँ, सिग्नल्स को तोड़ूँ, और कोई फिक्र नहीं है कि इससे क्या हादसा रोनुमा हो सकते हैं। हर तरफ यही सिलसिला चल रहा है। अब हम सदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ये देखें रीगल पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला सिर्फ इसीलिए खड़ा हुआ है कि लोगों को रॉन्ग साइड रोके। ये मुसलसल लोगों को मना कर रहा है कि आप रॉन्ग साइड मत आइए, ताकि दूसरी आने वाली ट्रैफिक को रास्ता सही मिले और कोई हादसे से भी बच सके। ये इस मोटरसाइकिल वाले को रोक रहे हैं, लेकिन वो उससे आर्गो करने में मसरूफ़ है, चाहता है कि मैं यहीं से गुज़र के जाऊँ। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आए तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलें। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ये देखें आप तीन लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और बग़ैर हेलमेट के सफ़र हो रहा है। हेलमेट का कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम लोग हेलमेट के साथ मिलते हैं, वरना सब बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने में मसरूफ़ हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द। और अगर आपके जहन में कोई भी आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट्स में दें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।